हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेंट थॉमस हाई स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज हम हमारे सेवेंथ चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो सेवेंथ चैप्टर में है दीर्घ उ की मात्रा, जो कि ये है दीर्घ उ और ये है दीर्घ उ की साइन। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। ये कौन सा चित्र है? फर्स्ट वाला फूल। फूल में कौन सा उ आएगा? दीर्घ। तो फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर, फ्लावर। ये कौन सा चित्र है? पिजन। पिजन को हिंदी में क्या कहते हैं? कबूतर। तो कबूतर में बू की मात्रा कैसी है? दीर्घ है। ये कौन सा चित्र है? सूरज। तो सूरज को इंग्लिश में सन कहते हैं और सूरज का सु की मात्रा भी दीर्घ है। ठीक है, हाँ। पढ़ो और समझो। आलू, आलू यानी पोटैटो। भालू, भालू यानी बियर। दूध, दूध यानी मिल्क। जूता, जूता यानी शूज। चूहा, चूहा यानी रैट। चूड़ी, चूड़ी यानी बैंगल्स। मूली, मूली यानी रेडिश। शहतूत, शहतूत यानी मलबेरी। मजदूर, मजदूर यानी लेबर। अमरुद, अमरुद यानी गुआवा। तो ये सभी वर्ड्स में दीर्घ उ की मात्रा का उपयोग किया गया है। चलो अब लेटर राइटिंग करते हैं। फूल, फूल। दूध, पूनम, नूतन। ठीक है, तो चलो देखो, पढ़ो और समझो। सी, रीड एंड अंडरस्टैंड। रुकना, रुक यानी नहीं, टू स्टॉप। रुचि, रुचि यानी इंटरेस्ट। गुरु, गुरु यानी टीचर। रुई, रुई यानी कॉटन। रूप, रूप यानी फॉर्म। रूठा, रूठा यानी अपसेट। रूखा, रूखा यानी ड्राई। रुमाल, रुमाल यानी हैंडकरचीफ। ओके, तो ये सभी वर्ड्स हमारे दीर्घ उ की मात्रा वाले हैं। बच्चों, आज के होमवर्क में ये पूरा पेज के में जितना भी वर्ड्स है वो सभी वर्ड्स आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। वन टाइम चैप्टर का टाइटल देना है, चैप्टर नंबर 7 दीर्घ उ की मात्रा, उ की मात्रा, ऐसा टाइटल देना है। बाद में ये पेज में जितने भी वर्ड्स है सभी वर्ड्स आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।